नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे महिला सम्मेलन और सियासत की। भूपेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिनों के मानदेय में बढ़ोतरी और विभिन्न न्याय योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने को लेकर महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। भूपेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिनों के मानदेय में बढ़ोतरी और विभिन्न न्याय योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने को लेकर महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हो रही हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी के बहाने बस्तर के आदिवासियों और महिलाओं को साधने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी प्रियंका गांधी और भूपेश सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बस्तर में 13 अप्रैल को महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जगदलपुर के लालबाग में आयोजित इस कार्यक्रम को भरोसे का सम्मेलन नाम दिया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हो रही हैं। ये पहला अवसर होगा जब प्रियंका गांधी बस्तर आ रही हैं। हालांकि अभी उनका अधिकृत कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन दोपहर 1 बजे से उनका सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त के रूप में 5,000 रूपए की राशि भी जारी करेंगे। कार्यक्रम के बाद शाम 4 बजे रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, बस्तर सांसद दीपक बैस समेत बस्तर से सभी 12 विधायक जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में 1,00,000 से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश महिला मोर्चा भूपेश सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में एवं प्रियंका गांधी के वक्तव्य में हमेशा ये कहना कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस विषय पर सीधे संवाद, सीधे विरोध की मुहिम महिला मोर्चा द्वारा चलाई जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश की भूपेश सरकार से पूछेंगे कि कांग्रेस की सरकार 4.5 सालों में शराबबंदी क्यों नहीं कर पाई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक दुष्कर्म के अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पाए, पेंशन राशि क्यों नहीं बढ़ पाई, रेडी टू ईट बनाने वाली हजारों बहनों को रोजगार क्यों नहीं दिया, स्वसहायता समूह की बहनों का आज तक कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, प्रियंका जी के आने से परिवर्तन होगा, ये मन बहलाने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। उनके नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ा गया, वहां सीटें कम हो गई। प्रियंका जी के आने से परिवर्तन होगा तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी। क्या मूवमेंट था वहां, लड़के हूं लड़ सकती हूं। कर्नाटक में ना नायकी था उसका स्लोगन। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्लोगन देती है वो देखना है, सुनना है। वहीं शासकीय कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को बुलाने को लेकर भाजपा ने सवाल उठाया है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जगदलपुर का कार्यक्रम शासकीय कार्यक्रम है। भाजपा के कार्यक्रम में जब सरकारी कार्यक्रम होता था तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहते थे क्या? साथ में जो आरएसएस कभी विज्ञापन नहीं छापते थे, सह संगठन प्रभारी सौदान सिंह, उनका फोटो पोस्टर में नहीं छपता था क्या? अरे शासकीय कार्यक्रम है भाई, शासकीय कार्यक्रम में क्यों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होता था तो क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहते थे साथ में, उसके पदाधिकारी नहीं रहते थे। आज इस पर जो आरएसएस कभी विज्ञापन वगैरह नहीं छपाते थे उसका संगठन प्रभारी थे, क्या सिंह थे, सदान सिंह, उसका फोटो नहीं छपता था। बहरहाल भूपेश सरकार
भरोसे के इस सम्मेलन में प्रियंका गांधी को बुलाकर बस्तर के आदिवासियों और महिलाओं के बीच अपनी आधार और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी सरकारी कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को बुलाए जाने पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा प्रियंका गांधी की इस दौरे से आगामी समय में कितना प्रभाव पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे महिला सम्मेलन और सियासत पर, इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी, बीजेपी नेता किरण बघेल जी। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता किरण बघेल जी की ओर बढ़ूंगा। किरण जी, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है महिलाओं के सम्मान में, महिला सम्मेलन का आयोजन, व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, खुद इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी बस्तर के इस कार्यक्रम में पहुंचने वाली हैं। क्या आपको लगता है कि महिला सम्मेलन करने से महिलाओं का सम्मान छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएगा? किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है किरण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम अपने मेहमानों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का ज्यादा वक्त नहीं बचा है, करीब करीब 6 से 7 महीने का वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। साल के अंत में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम पार्टियां, छत्तीसगढ़ में दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने अपनी पेटी बांध ली है और अब जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस को घेरने में, राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर उतरकर जनता से संवाद कर रही है। 4.5 साल का हिसाब भूपेश बघेल सरकार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने के लिए, एक बड़ा वोट बैंक है महिला, इन्हें साधने के लिए अब कांग्रेस ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी और बीजेपी नेता किरण बघेल जी। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी नेता किरण बघेल जी से लूंगा। किरण जी, जैसा कि बस्तर में अब आधी आबादी को साधने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इस कार्यक्रम की खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं और इसमें महासचिव प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी की यह मुहिम महिलाओं के सम्मान में इजाफा कर पाएगी? जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं प्रियंका गांधी के इस विजिट से, कि इनका जो विजिट है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भूपेश सरकार को ये लगने लगा है कि बस्तर में जहां पे 60% से ज्यादा महिलाओं की आबादी है, महिला वोटर्स हैं, उन्हें साधने की अब प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें लगने लगा है कि इनके वादा खिलाफी का असर दिखेगा बस्तर में और अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो ऐसे ही कारण है कि महिला वोटर्स को रिझाने के लिए प्रियंका गांधी का ये दौरा यहाँ पे आयोजित किया जाता है, मगर इसके बाद भी हम आश्वस्त हैं कि इनसे इस दौरे से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि महिलाएं जान चुकी कि किस प्रकार भूपेश सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, चाहे शराबबंदी को लेकर बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, स्व सहायता समूह की महिलाओं की कर्ज माफी की बात हो, रेडी टू ईट की महिलाओं के हाथ से रोजगार छीनने की बात हो, तो इन सब मामले को हम देख सकते हैं कि महिलाएं बहुत, आधी आबादी जो छत्तीसगढ़ की और बस्तर की 60% जो आबादी है, वे जान चुकी है कि भूपेश सरकार कैसे अपने वादा खिलाफी करके उन्हें छला है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस दौरे से कहीं फर्क पड़ेगा, इस सरकार को या इस दौरे से भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला है। हम इस दौरे को एक सामान्य दौरे के ही रूप में लेते हैं।
ठीक है वंदना जी, आपने पूरी बात किरण जी की सुनी, कह रही हैं कि कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके अलावा कई सारे आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश में एक नारा भी बुलंद हुआ था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको लगता है कि बस्तर में या छत्तीसगढ़ में यह नारा काफी होगा, सटीक होगा महिला यानी आधी आबादी को साधने के लिए? छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी जी का जो दौरा है, इस दौरा को लेकर के महिलाएं बहुत उत्साहित है। जिस हिसाब से आप देखते हैं कि भूपेश बघेल जी का जो अंतिम बजट में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई थी, खासकर अगर हम बात करते हैं सहायिकाओं का, आंगनबाड़ी का, मितानों का, बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर भूपेश बघेल जी ने की है। इस घोषणाओं के बाद महिलाओं के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा ये का अवसर है और इस अवसर में प्रियंका गांधी जी आ रही है। रही बात विपक्ष का काम है उंगली उठाना, अगर एक उंगली हमारे तरफ उठा रहे हैं तो चार उंगली भाजपा की तरफ उठ रही है। 15 साल इनकी सरकार थी, 15 साल में इन लोग 14 सीट में सिमट गए। और सबसे बड़ी बात है अगर बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो बस्तर में इन लोगों को एक भी सीट नहीं मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात हमारी जमीन खिसकने की बात, तो हमारी जमीन नहीं खिसक रही है, तो भाजपा की जमीन खिसक चुकी है, इनको चिंता करना चाहिए। और भाजपा और कांग्रेस में अंतर ये होता है कि इन लोग चुनाव के समय महिलाओं को याद करते हैं और कांग्रेस ये साल कांग्रेस होता है कि हर साल महिलाओं को याद करते हैं और मुख्यमंत्री के निवास में महिलाएं अपने मायके आकर के बहुत धूमधाम से तीजा का पर्व मनाती है। ये तो हर साल महिलाओं का सम्मेलन होता है। रही बात प्रियंका गांधी के दौरे का, तो एक मोटिवेट करने आ रही है, सब महिलाओं के साथ उसका सुख दुख बांटने आ रही है, तो इसमें भाजपा के नेताओं को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अरे भाजपा के भी तो जो केंद्रीय पदाधिकारी है, केंद्रीय मंडल के जो अमित शाह जी है ना, ये लोग लगातार दौरे कर रहे थे, इनके दौरे से हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी के दौरे पर इन लोगों को इतना पेट में दर्द हो रहा है। इन लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि पिछले समय के चुनाव में हमने 14 सीट में सिमट गए थे, कहीं इस समय हम 4-5 सीट में तो नहीं आ गए। लेकिन वंदना जी बड़े निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी सम्मेलन कह रहा है? 2023 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बड़े नेताओं का इस तरीके से सम्मेलन में भाग लेना, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना, और जबकि बस्तर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो महिलाओं को अपने खेमे में वोट करने के लिए आश्वस्त करना, तो कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण जो राजनीतिक बन रहा है। देखिए इसको चुनावी समीकरण चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन चुनावी समीकरण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चुनाव इसी साल है, और जब चुनाव इसी साल है तो जाहिर सी बात है हमको अपना तैयारी रखना पड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम में बच्चे जाते हैं तो एग्जाम में जाने से पहले विद्यार्थी को बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ता है, वैसे ही सब एग्जाम होता है। और रही बात अगर बस्तर के आदिवासियों महिलाओं की बात करते हैं, तो बस्तर की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की जब सरकार आई, दोनों में आप कंपेयर करके देख लीजिए कि दोनों सरकार में महिलाएं कौन से सरकार में अधिक खुश है और कौन सरकार में बहुत अधिक विश्वास करती है। क्योंकि हम महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। रोजगार की दृष्टि से 65 लघु वनोपजों की खरीदी कर रहे हैं, वैसे ही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखेंगे हम क्लिनिक हाट बाजार योजना के माध्यम से वहां पर कुपोषण से मुक्त करवा रहे हैं, एनीमिया से मुक्त करवा रहे हैं। यहां तक आप इस समय जब से कांग्रेस की सरकार आई है आपने कभी नहीं सुना है कि छत्तीसगढ़ मलेरिया से यहाँ पर बहुत भयभीत है, अब छत्तीसगढ़ मलेरिया से मुक्त हो गया है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। और सिर्फ मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भाजपा से भी मुक्त होगा। ठीक है, आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ भाजपा से मुक्त होगा। किरण जी क्या कहेंगे? पूरी बात आपने वंदना जी की सुनी, इतने वक्त तक बीजेपी की सरकार रही तब तो महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, अब कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े अधिकारी अगर महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी और आपकी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छी बात है ना, प्रियंका गांधी आ रही है, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सौगात लाएंगी। और भूपेश बघेल सरकार में जितना काम महिलाओं के लिए किया गया, चाहे मैं मितानिनों की बात करूं, नरवा गरवा गुरवा बारी के तहत महिलाओं की बात करूं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करूं, सी मार्ट की बात करूं, तो महिलाओं के लिए काम किया गया है सरकार में। अब ऐसे में क्या बीजेपी को, आपकी पार्टी को सिर्फ इस बात का डर है कि अगर यह सम्मेलन सक्षम रहा, सबल रहा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार भी विधानसभा के चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है? बहुत
बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वंदना जी कह रही हैं कि हमारे शासनकाल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम पे है, राशन कार्ड मोदी जी ने महिलाओं के नाम पे जारी किया, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति हमारे शासनकाल में मिला है, जननी सुरक्षा योजना हो के तहत हो या महतारी 108 जो एक्सप्रेस है, 102 महतारी एक्सप्रेस है, जहां से बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में प्रसव पीड़ा में जो महिलाएं पीड़ित होती थी उनके लिए 102 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। तो महिलाओं के लिए ऐसे बहुत से कार्य किए हैं हमारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने। आप देख सकते हैं किस प्रकार इस बार पार्लियामेंट में 78 महिलाएं आई हैं और जिसमें जंबो कार्यकारिणी में 11 से 12 मिनिस्टर हमारे महिला मिनिस्टर को जगह दी गई है। तो और सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है कि यहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति हमारे कार्यकारिणी हुई है जो कि आदिवासी का निवेदन के साथ रोक रहा हूं मैं आपको, स्थापित किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति के पद को देखिए, क्या समझा जाए महिलाओं के लिए उनके उत्थान के लिए जो भी काम किया गया है हम लोग ने महिलाओं और सिर्फ आपकी बीजेपी की 15 साल की सरकार में किया गया, 4.5 साल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, आपकी बात से ये समझा जाए। मैंने आपको जो योजना के बारे में बताया गया ना, राशन कार्ड पहले आज तक आप देख लीजिए राशन कार्ड महिलाओं के नाम पे बन रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री योजना महिलाओं के नाम से स्वीकृत हो रही है जिसे 16 लाख आवास आप लोग ने स्वीकृत होने नहीं दी। वंदना जी महिलाओं का हक मारा है आपने, आप स्वरोजगार की बात कर रही हैं, आपको याद दिला दूं कि 22,000 महिला स्वसहायता समूह के 22,000 महिलाओं को आप लोग ने बेरोजगार कर दिया। वंदना जी आप लोग सशक्त, आप लोग सशक्त करके बात कर रहे हैं, 22,000 महिलाओं को बेरोजगार उसके बारे में तो बोलिए। आप पहले चावल डायन करते थे, अब महंगाई महंगाई चावल खा रहे, महंगाई महिलाओं को पहले चावल तो दीजिए, घर के छत तो दीजिए वंदना जी, गैस का खाना क्या बनाएंगी, पहले चावल चावल तो आने दीजिए। आप लोग चावल घोटाला कर रहे हैं, आप क्यों छत पे नहीं सब महिलाएं सुन रही है, नहीं दे रही है सरकार, अब महिलाओं में तो विरोधी महंगाई पर तो दीजिए वंदना जी, महंगाई पर बोल रहे हैं, महंगाई पर बोलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, तो वंदना जी आपको याद दिलाना चाहूंगी, महंगाई पे बोल दीजिए किरण जी, 410 की गैस सिलेंडर महिलाओं को आज 1200 रुपए में लेना पड़ रहा है, इस पर आप लोग के मुंह बंद क्यों है? आपकी सरकार ने महिलाओं के नाम से आने वाले सुखी होने वाली आज आवास योजना के बारे में बताइए वंदना जी, महंगाई से आज महिलाओं की 5 किलो अतिरिक्त चावल केंद्र सरकार भेज रही है वंदना जी, उस पे कितना करोड़ घोटाला हुआ है, आप महिलाओं के पेट में लात मार रहे हैं, आप उनके सर से किरण जी आवास योजना की बात कर रहे हैं, आप लोग भूपेश बघेल तो भरे मंच से कहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस वजह से हम जनता तक फायदा नहीं पहुंच पा रहे सरकारी योजनाओं का। और उसके बाद में वंदना जी मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रियंका जी आ रही हैं तो पिछले जी आपका सवाल नहीं आया मेरे पास, नहीं मेरा सवाल किरण जी से था, किरण जी आवास योजना की आप बात कर रही हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो भरे मंच से कहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग छत्तीसगढ़ की सरकार को नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज कांग्रेस की सरकार है इसलिए कोई फायदा हम जनता तक पहुंचा नहीं पाते जो केंद्र की तरफ से मिलती है। सीधा आरोप तो आपके प्रधानमंत्री पर, आपकी पार्टी पर, केंद्र सरकार की पार्टी पर लगाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी झूठी बातें इनके मुख्यमंत्री जो हम तो ये इनको लबरा भूपेशी कहते हैं, जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश में ही ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं लागू की जा रही, बाकी इंडिया के सारे जहां पे भाजपा शासित प्रदेश है वहां तो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जा रही, सिर्फ वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे हमारी सरकार भाजपा की सरकार नहीं, वहां पे ही क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को वंचित किया जा रहा है, एक सोची समझी रणनीति साजिश है। और साथ ही साथ मैं वंदना जी से ये पूछना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी जब आ रही हैं तो पिछले महाधिवेशन में जो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था रायपुर राजधानी में, तो प्रियंका गांधी के निज सचिव के द्वारा यहाँ यूपी की एक कैंडिडेट थी अर्चना गौतम के
के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो कि दलित महिला थी उसे जातिसूचक गालियां दी और जान दबाने का सवाल करना चाहूंगा मैं। तो क्या इस विजिट में प्रियंका गांधी उनको पुलिस के हवाले पार्टी की तरफ से कुछ महिलाओं के लिए शराब? प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, किरण जी, प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे से बीजेपी पार्टी से इतर एक महिला होने के नाते तो आपको समर्थन करना चाहिए ना। महिला तो खुद में सशक्त है, अगर ये नारा दिया है महिला लड़की हूं लड़ सकती हूं तो इसमें आपका समर्थन नहीं है? जी देखिए, ये नारा उन्होंने यूपी में भी देखा था और आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस वहां पे मात्र दो सीट पे सिमट के रह गई। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत समझदार हैं, सक्षम हैं और लड़ने और लड़ सकते हैं। बात छत्तीसगढ़ का क्या हाल हुआ, ठीक है, आपके पास वापस से आऊंगा। वंदना जी, पूरी बात आपने किरण जी की भी सुनी, प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, इससे बीजेपी को ऐतराज है, जबकि वो खुद भी महिला है और महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो सम्मान सम्मेलन किया जा रहा है ये बीजेपी पार्टी को पछाड़ने के लिए काफी होगा, क्योंकि बस्तर में जैसा कि आपने बताया 60% आबादी महिलाओं की है, तो आधी आबादी को साधना इस विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले किरण जी का एक शब्द था लबरा भूपेश बघेल, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ के बारे में ऐसी भाषा क्या शोभा देता है? मैं इस जो भाषा है उससे एतराज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किरण जी इस भाषा का उपयोग ना करें और चैनल के माध्यम से माफी मांगे, क्योंकि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मुखिया हैं और मुखिया के बारे में ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कि लोग भाजपा के लोग नेता करते हैं तो ये बहुत अशोभनीय है। और दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं बस्तर की, तो मैं उसी बात को डबल दोहराना चाहूंगी कि बस्तर की अगर बात करते हैं तो आधी आबादी वाकई में बस्तर में महिलाओं की बहुत अधिक है। और आप वो गांव के साथ साथ शहर में भी देखेंगे कि आजकल महिलाएं बहुत समझदार हो गई, किसी के बहकावे में नहीं जाने वाली है, क्योंकि महिलाएं ऐसी होती है कि जिस राजनीतिक दल से प्रभावित होती है उसका पूरा घर परिवार उसी को वोट करता है। और महिलाएं जो होती है किचन भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। जब किचन संभालती है तो जाहिर सी बात है उनको बहुत तकलीफ होती है कि आमदनी तो बढ़ता नहीं है लेकिन खर्च बहुत बढ़ रहा है, ये तो बहुत चुभी है महिलाओं को। तो इसका जवाब तो आने वाले चुनाव में मिलेगा। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के इतिहास में देख लीजिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं महिलाओं के लिए हुई है जो 15 साल के शासन में कभी नहीं हुई। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता, वो घोषणाएं अगर मूर्त रूप लेंगी तो शायद महिलाओं तक ज्यादा मैसेज पहुंचेगा कांग्रेस पार्टी का और शायद महिलाओं का उत्थान ज्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बीजेपी से किरण बघेल जी जुड़ी हुई थी। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सम्मेलन बस्तर में किया जा रहा है, महिला सम्मेलन। अब देखने वाली बात यह है कि महिला सम्मेलन का असर छत्तीसगढ़ की आधी आबादी पर कितना पड़ता है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।